उधर हिसार की उपायुक्त ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की बैठक ली, जिसमें उन्होंने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत आमजन को जागरूक करने के लिए खंड स्तर पर 18 नवंबर को जागरूकता रैली निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किए जा रहे प्रयासों से फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि मोबाइल वैन के माध्यम से भी गांवों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और किसानों को समझाया जाएगा कि पराली को जलाना हम सभी की सेहत के लिए खतरनाक है। साथ ही उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी बनाए रखें। हिसार और आसपास का जो इलाका है, इसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ही पुअर है और जो आम आदमी है उनको आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, इस प्रकार से बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से लोग सफर कर रहे हैं। और इसमें एक कारण जो है वो स्टबल बर्निंग भी है, जो पराली जलाते हैं उससे धुआं और एयर क्वालिटी जो है वो पुअर होती है। इसके बारे में NGTB और सुप्रीम कोर्ट के भी काफी आदेश आए हुए हैं जिसके चलते ये बैन है टोटली। हमारे यहाँ पे भी 144 लगी हुई है जिसके तहत पराली जलाना बिल्कुल बंद है। तो मैं सब किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि पराली बिल्कुल भी ना जलाएं, उसका प्रबंधन करें और उसका प्रबंधन करने से आप बहुत एडिशनल इनकम भी उसे अर्न कर सकते हैं।